क्या बात है, वेरी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, दिल छू जाने वाली परफॉर्मेंस थी। आई एम श्योर आपकी तालियों और आपकी आवाज से इन्हें भी ये ऐसा ही लग रहा होगा और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। थैंक यू सो मच ड्रम शिवमणि एंड रूना शिवमणि फॉर एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। ये जो था ये एक सोचिए ट्रेलर है आप लोगों के लिए। इस फिल्म का म्यूजिक भी इन्होंने दिया है, तो आप सोचिए अगर इनकी परफॉर्मेंस यहाँ आपको इतनी अच्छी लगी है तो इस फिल्म में जो म्यूजिक है वो कितना ही बढ़िया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी सी और ज्यादा आवाज और तालियां बिल्कुल बनती है। वेलकम टाइगर, हाउ आर यू? ऑल राइट, तो टाइगर आप हमारे बीच में आए हैं लेकिन श्री गणेश के लिए, जिसके लिए हम यहाँ आए, पहले हम वो करते हैं, बाकी की चीजें हम बाद में करेंगे। सो वुड वी लाइक टू स्टार्ट विद इट? आई थिंक खासकर क्योंकि एक डांसिंग फिल्म है, इसकी श्री गणेश इसकी शुरुआत 1, 2, 3, 4 से होनी चाहिए। So without further ado, I'd like to count down and unveil the film. Ready? Yes. 1, 2, 3, and 4. Woo! Come on everyone, a huge round of applause for it. Kya baat hai? Kya baat hai? Zordar taaliyan ek baar. वेल एक बार फिर से बोलते हैं, सिंस अभी अनवीलिंग हो चुकी है, वी ऑल बिलीव इन शंकर भगवान, हर हर महादेव। क्या बात है, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू द बैनर। हमारा जो बैनर है, दिस फिल्म इज ब्रॉट टू यू बाय वन एंटरटेनमेंट फिल्म प्रोडक्शंस इन एसोसिएशन विद प्राची मूवीज एंड V2S प्रोडक्शंस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑन स्टेज। ये जो फिल्म है ये पूरी टीम के बिना अधूरी होती है, तो सबसे पहले मैं स्टेज को बुलाना चाहूंगी इस फिल्म के जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने अपनी सारी धनराशि इस फिल्म में लगाई है। मैं इनवाइट करना चाहूंगी जाने माने प्रोड्यूसर हमारे बीच में, कमल किशोर मिश्रा जी को। तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। कमल जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। साथ में नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट विधि आचार्य फ्रॉम V2S प्रोडक्शंस, जो हमारी एसोसिएट प्रोड्यूसर्स हैं। And then I would also like to invite Prachi, हमारे और एक associate producer from Prachi Movies. Please put your hands together for all the team here. All right, अभी मैं invite करना चाहूंगी हमारे action director Abbas Ali Mughal. प्लीज जोरदार तालियां। ये जो टीम है इनके बिना ये फिल्म अधूरी होती है, तो इनके लिए तालियों में कमी ना रखें। देन आई वुड लाइक टू इनवाइट डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कुश छाबरिया। ऑलराइट, देन वी हैव आवर लिरिसिस्ट प्रणव वत्सा। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रणव प्लीज। ऑलराइट, वी हैव आवर एडिटर मनोज मगर। क्या बात है मनोज जी, प्लीज वेलकम। प्लीज तालियों में कमी ना रखें, हमारी पूरी टीम यहाँ पर है जिनके बिना ये फिल्म अधूरी होती है। एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो इन्वाइट, अभी आपने जो ये इनक्रेडिबल म्यूजिक सुना, जो आपने परफॉर्मेंस यहाँ देखी इस फिल्म का म्यूजिक जिन्होंने दिया है, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ड्रम शिवमणि, अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। देन आई वुड लाइक टू इन्वाइट आवर कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिमी। रूना जी प्लीज आप भी साथ में आ जाइए बिल्कुल। जिमी, डू वी हैव आवर कॉस्ट्यूम डिजाइनर? ओके, आगे बढ़ते हुए इस फिल्म में इनफैक्ट एक बहुत अच्छा किरदार निभाया है, तो मैं बुलाना चाहूंगी साहिल खान को। एंड लास्टली बट नॉट द लिस्ट, लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इस शिप के जो एंटायर टीम है, इस शिप के जो कैप्टन है, जिन्होंने इन सबको इकट्ठा किया है साथ में, हमारे जो डायरेक्टर हैं मनोज शर्मा जी, आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज एवरीवन अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द एंटायर टीम दैट इज प्रेजेंट हियर। मनोज जी, थैंक यू प्रियंका। सबसे पहले मैं टाइगर श्रॉफ, मेरे भाई, आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि डांसिंग फिल्म की, टाइगर श्रॉफ जो डांसिंग लेजेंड है हम सबके, उनके हाथ से एक पोस्टर हमारा लॉन्च हुआ और सारा इंट्रोडक्शन सारी टीम का हो गया। और ब्रदर, मैं चाहूँगा कि जो हमारे देहाती टीम है, जो मेन है, आप उनको इनवाइट करें इस फिल्म के। बिल्कुल, कहाँ पर है पूरी टीम? यहाँ पर आया।
तो मैं इस वक्त आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा ऑन स्टेज द होल टीम ऑफ देहाती डिस्को देहाती डिस्को द मेन कैरेक्टर द हीरो एंड द रीजन व्हाई आई एम हियर गणेश आचार्य मास्टर प्लीज कम ऑन स्टेज. And our little hero Saksham, please come on stage. Super dancer Saksham. Yo, nice jump. हाँ, सबसे पहले मैं मास्टर जी से चाहूँगा दो शब्द. मास्टर जी, आपसे शुरुआत. अच्छा, टाइगर, थैंक यू वेरी मच. टाइगर हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है हर चीज़. जब से हम लोगों ने पहला गाना किया विसिल बजा, उसके बाद मैंने टाइगर को बोला कि मेरी ये फिल्म में आना है, मुझे एक एकेडमी खोलनी थी. टाइगर हमेशा बहुत प्यार करता है मुझे और आज यहाँ आया है. और इस फिल्म के बारे में क्या बताऊँ, मनोज मेरे पास आया था कि एक फिल्म करनी है, ऐसी डांसिंग फिल्म करनी है. तो मैंने कहा कि मेरे पास एक टाइटल है देहाती डिस्को, तू उसको लेके क्या कर सकता है. फिर मनोज ने बहुत इस पर काम किया. फिर मैंने मनोज शिवमणि से बात की, फिर शिवमणि से बात की, फिर शिवमणि ने मजिक किया. फिर मनोज ने कहा कि कमल हमारे ने एक फिल्म की खली बली, उसके प्रोड्यूसर है, उनके साथ करेंगे. तो ऐसे करते आहिस्ता 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 टीम बनी. फिर मैंने अब्बास भाई को बुलाया जो एकदम पीछे खड़े हैं, पता है इनके. फिर इस फिल्म के DOP कुश, फिर मनोज मगर, फिर प्रणव वत्स, और ये पूरी हम लोग छोटी सी कोशिश कर रहे हैं फिल्म बनाने की, डांसिंग फिल्म. फर्स्ट टाइम ऐसी फिल्म होगी जो हमारी हिंदुस्तान की कला की बात करेगी. ओके, थैंक यू वेरी मच. शिवा, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. एंड आई एम वेरी नमस्कार. आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ इन द फिल्म एज अ म्यूजिक कंपोजर. एंड थैंक यू गणेश जी एंड एंटायर टीम. टाइगर जी, थैंक यू. एंड आई हैव टू थैंक माय वाइफ रूना. And all the best. Good luck. Kamal, आप कुछ कहेंगे दो शब्द? सर आप दो. बोलो बोलो. मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है आज, क्योंकि मास्टर जी हमारे साथ. मैं चाहता हूँ मास्टर जी जो हमेशा पीछे पीछे रहते हैं, वो आके कुछ दो शब्द कहे. गणेश मास्टर जी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो जब भी वो बुलाते हैं मैं उनके लिए हाजिर हूँ. और इस पिक्चर में भी आप देखेंगे तो ये पिक्चर का बैकग्राउंड है, मतलब डांसिंग है पूरा, और इसकी कहानी बहुत अच्छी है. लेकिन फिर भी इसमें जो दो तीन एक्शन है वो बहुत ही पावरफुल है, इमोशनली बहुत ही, मतलब इसे बहुत अच्छी तरह करना है, जो इसका इमोशन जो कहानी के साथ जुड़ा हुआ है. मतलब हमेशा हम देखते हैं कि एक्शन पिक्चर से अलग लगता है, लेकिन इस पिक्चर का जो एक्शन है वो कहानी के साथ चलेगा. और जो इसके डांसिंग, मतलब जो डांस मोमेंट्स हैं, जो डांस जो गाने हैं, वो भी पिक्चर के साथ बहुत अच्छे हैं. तो इंशाल्लाह इस पिक्चर में काम करने का मज़ा आएगा. और एक पूरी टीम जो है वो पूरे जोश के साथ इस पिक्चर को करने के लिए जा रही है. बस आप लोगों की दुआएं चाहिए और हम लोगों की मेहनत इस पिक्चर को इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्रणव वत्स ने गाने लिखे हैं इस फिल्म के सब. प्रणव सर, लकी मैन सर. लकी मैन. ओके, टाइगर लग. आप बोलना चाहते हैं रुना जी? नमस्कार, आदाब, सलाम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. जैसे कि नारी शक्ति जो होती है वो हमेशा एक कामयाब इंसान के पीछे होती है, और उसी तरीके से एक कामयाब औरत के पीछे एक बहुत ही सेंसिटिव और सेंसिबल आदमी होता है. मैं इसके बारे में इसलिए कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से विधि जो है हमारे गणेश भाई के पीछे एक शक्ति की तरह है, मैं भी बैकड्रॉप में हूँ इनके पीछे. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन में उस रब की इतनी मेहर है कि इन दोनों गणेश और शिवमणि जी की जो जोड़ी है, गणेश और शिवा जब दोनों मिल गए तो आप सोच सकते हैं फिर कमाल ही होना है फिर. क्या बात. और इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ, मैं ये क्यों कह रही हूँ, इतनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ भी जब आप म्यूज़िक सुनेंगे, कि आज के दौर में जो चीज़ बहुत ही हमें कम मिलती है वो है इनोसेंस और ऑनेस्टी. वो इनोसेंस और ऑनेस्टी इस फिल्म में है,
और उसके लिए मैं एक ही शेर कहूँगी, शेर कहना चाहती हूँ, किस तरीके से इस पूरी फिल्म में, म्यूज़िक में मैंने इन दोनों की जो केमिस्ट्री देखी है और ऊपर वाले ने कैसा साथ दिया कि हमें लगा कि बस ईश्वर ही हमारे साथ है, कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ भी दिखाई न दे, खुदा ऐसे एहसास का नाम है जो रहे सामने और दिखाई न दे। ऑल द बेस्ट देहाती डिस्को। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के बारे में इतना ही कहूँगा कि मास्टर जी का साथ बहुत सालों से पहले भी था, लेकिन आज ऊपर वाले ने साथ दिया और हमने लॉकडाउन में उस लॉकडाउन को भी इतने दिल से यूज़ किया और इतने डिस्टेंस में हमने उस दौरान म्यूज़िक, राइटिंग, और थैंक्स तो कमल भाई सबसे पहले कि आपने हमको मौका दिया ये सब करने को। और 4-5 महीने जो मास्टर जी का मैंने जो जुनून देखा है ना इस फिल्म में, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं डांस ना सीख जाऊं सेट पे। एक्शन ना बोल के 1-2-3-4 ना बोल दूं, कट 5-6-7-8 ना हो जाए, को इतने इन्वॉल्व रहे हम लोग 4-5 महीने, और टीम इतनी खूबसूरत बन गई है, इतने मजे हुए टीम है मेरे साथ, तो 100% आने वाला है। तो मैं थैंक यू बोलूँगा मास्टर जी आपको, कमल जी आपको, ब्रदर आपको, कि जिस फिल्म की ओपनिंग म्यूजिक से और देहाती डिस्को का पोस्टर टाइगर श्रॉफ के हाथ से हो रहा है, तो ओपनिंग तो शुरू लग गई है हमारी। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि टाइगर दो शब्द कुछ कहे। मास्टर जब भी थैंक यू बोलते मुझे ऐसा लगता है गाली दे रहे मुझे, बिकॉज यू नो द वे ही इज़ हेल्प मी, मेरी पहली पिक्चर से ही इज़ वर्क विद मी इन माई फर्स्ट सॉन्ग विसल बजा, जैसे उन्होंने कहा। और मुझे याद है मेरा मतलब मेरी इतनी फटी पड़ी थी सेट पे, मास्टर जी बोल रहे थे अरे टाइगर इजी बिंदास बिंदास, पर आई स्टिल वाज स्ट्रगलिंग सो मच, वो लिटरली एक एक शॉट मेरा हाथ पकड़ के मेरे से कराते थे। सो यू नो आई ऑलवेज बी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनके लिए, और आज तक इतना मदद करते मुझे खासकर डांस को लेकर। सो आई थिंक ये पिक्चर तो ऑन पेपर ही मेरे हिसाब से एक ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए, बिकॉज इट्स गॉट द राइट इमोशन, इट्स गॉट मास्टर जी हु इज सिनोनिमस विद डांसिंग, वो भी देहाती डिस्को डांस विच इज़ लाइक अ मिक्स ऑफ देसी डांस, जो मास्टर जी का स्पेशलिटी है। तो आई थिंक बस बेसब्री से इंतज़ार करूँगा इस फिल्म के लिए, एंड पूरी टीम को ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगा। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू मास्टर जी, आपसे एक लाइन कहने के लिए रिक्वेस्ट करूँगी। आपकी वो लाइन ज़रा बहुत फिल्म से रिलेटेड है, आपने बोली नहीं अभी तक, बड़ा अधूरा मुझे। नहीं, देहाती डिस्को बेसिकली बहुत मिट्टी की बात है, क्योंकि मैं बचपन से डांस करते आ रहा हूँ, मिट्टी से ही आया हूँ, मिट्टी से ही यहाँ बना हुआ हूँ। तो ये फिल्म की जो टैगलाइन है कि जाति है मेरी मिट्टी की, मिट्टी मेरी पहचान, मिट्टी के हम तुम सारे फिर काहे का अभिमान, दैट्स अबाउट, यही है, बहुत ही हम्बल तरीके से। तो ये बिल्कुल मूवी के जो टाइटल के साथ जा रहा है, बिकॉज हमारे हिंदुस्तान में हमारी मिट्टी है, वहीं पे हम ऐसा ही वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट का। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच श्रीमनी जी, बहुत 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 अच्छी तरीके से आपने वेलकम किया, थैंक यू। और थैंक यू सो मच टू द होल टीम। हां हां, क्या चाहिए, डांस फोटो तो नहीं खींचा ना? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि लॉकडाउन तो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन इस दौरान हमारा पहला मुहूर्त फिल्म का बॉलीवुड में हुआ है, और आप लोगों का आए उसके लिए थैंक यू। देहाती डिस्को, जैसे कि टाइटल से ही लग रहा है, एक देसी फिल्म है, मिट्टी की फिल्म है, और इसमें हमारे हिंदुस्तानी डांस को बताया गया है, बताया क्या गया, हम लोग करते ही, हम लोग बचपन से ही भांगड़ा और नासिक ढोल, तो उसको बड़े अच्छे लेवल पे प्रेजेंट करने की कोशिश जा रही है एक स्टोरी के साथ। फिल्म के बारे में फिलहाल तो मैं इतना ही कह पाऊंगा अभी। सबने जो बताया डू है, तो ये कब तक फ्लोर पर आ जाएगी? नेक्स्ट ईयर फ्लोर पे, तो सॉरी फ्लोर पे तो हम लोग अभी दशहरे पे ही हम लोग शूट का प्लान कर रहे हैं 25 अक्टूबर से, और ये नेक्स्ट ईयर आप लोगों को थिएटर्स में बंद, तो थिएटर्स के लिए रही है, तो बड़े स्केल पे हम लोग, कमल जी ने पूरा मौका दिया है मेकिंग के लिए, तो कोशिश है कि बहुत बड़े स्केल पे हम लोग शूट करें। और मास्टर जी आप देख ही रहे हैं डांस में कितने बड़े लेजेंड हैं, और उनकी डांसिंग फिल्म है तो कमाल तो होगा।
मास्टर जी के बारे में इतना ही कहूँगा, एक तो दिल के बड़े क्लीन पर्सन हैं, काम में मास्टरी है उनकी, मास्टर जी कह रहे हैं तो मास्टर रियल में एक डांसिंग मास्टरी है उनके पास। और ये डांसिंग फिल्म थी, मैं खुद मास्टर जी के पास गया था, मैंने कहा था मास्टर जी कोई डांसिंग फिल्म करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा मनोज एक टाइटल है मेरे पास देहाती डिस्को, इस पर कुछ सोच सकता है तो कुछ सोचो। तो मैंने उस पर स्टोरी वर्क किया, कमल जी से चर्चा की, मास्टर जी से चर्चा की, फिर हम लोगों ने मिलकर एक अच्छी कहानी बुना और आज देहाती डिस्को, आज हमारा पोस्टर लॉन्च मुहूर्त हुआ है टाइगर के थ्रू। तो अब कोशिश है कि दशहरे से हमारी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो रही है और उम्मीद है कि जैसे डांसिंग माहौल है वैसे ही फिल्म हमारी हंसते हंसते बनेगी। सबने जो बताया हमसे कुछ अच्छा नया पूछे तो मैं नया बताऊँ, बाकी तो सब वही है। अब मास्टर जी के साथ एक्सपीरियंस जो रहा वो हमेशा पर डे बढ़ता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है और अच्छा होता जा रहा है। बिल्कुल, कोविड 19 में जो सुविधाएं या हमको जो परमिशन दी गई है शूटिंग के दौरान, वो हर चीज़ का हम एहतियात बरतेंगे। सरकार ने जितने लोगों की हमको इजाज़त दी है शूटिंग के दौरान, वो पूरा सैनिटाइज से लेके पूरा सेट, क्रू मेंबर्स, ऑल इक्विपमेंट्स के साथ हम लोग काम करेंगे, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है और हम लोग सब सेफ रहेंगे तो सिनेमा भी उतना सेफ रहेगा। नहीं, सेफ्टी हम लोग पूरा करेंगे, जो भी हम लोग के सरकार का जो भी रूल्स है वो हम लोग सारे फॉलो करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये मेरे लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू है और देहाती डिस्को मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब चीज़ों से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस भी आने वाले हैं और ये डांसिंग फिल्म है और साथ साथ बहुत वेरी इमोशनली टच्ड है स्टोरी वाइज, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, और इनफैक्ट पूरा टीम देहाती का बहुत मेहनत कर रहा है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा ये मूवी उभर के आएगा और सबको पसंद आएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पिक्चर के लिए, ये मेरी पहली पिक्चर है। यस, मैं डांस को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है डांस, बहुत अच्छा लगता है। मैंने डांस शुरू किया था, मैंने पहले टाइगर सर को देखा था तब मैंने डांस शुरू किया था। जैसे मैंने कहा बाद में दो लाइन कि जाती है मेरी मिट्टी की, मिट्टी मेरी पहचान, मिट्टी के हम तुम सारे फिर काएगा अभिमान, क्या बात यही है। शिवा, यू कैन से समथिंग। नमस्कार, आई एम रियली ऑनर्ड टू पार्ट ऑफ दिस मूवी एंड आई हैव टू थैंक गणेश जी एंड द डांस इन दिस मूवी इज गोइंग टू बी आवर कल्चर, इट्स ब्यूटीफुल विद द फादर एंड सन एंड इट्स ऑसम मूवी, एंजॉय द मूवी व्हेन इट कम्स, या ऑल द बेस्ट। 25 अक्टूबर से चालू हो रही है, दशहरे के दिन से लखनऊ में हो रही है, 40 डेज की शूटिंग है। बहुत अच्छा रहा, क्योंकि टाइगर हमेशा, मैं जब भी कहता हूँ कि कुछ करना है, जैसे मनोज शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर कमल है, तो उन्होंने कहा मेरे पास आए कि हमको एक फिल्म करनी है, डांसिंग फिल्म, तो मैं कुछ साल पहले करने वाला था एक, जिसका टाइटल था देहाती डिस्को, तो मैं चाहता हूँ वो टाइटल ले और तो उसके पास स्क्रिप्ट काम कर, तो मनोज ने वो टाइटल के पास स्क्रिप्ट पे काम किया, फिर मैंने बोला कि इस फिल्म का म्यूज़िक अगर शिवा मनी करे तो बहुत अच्छा होगा, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर मैंने शिवा मनी को लॉकडाउन में फ़ोन किया, हम लोगों ने वीडियो कॉल पर बात करके कहानी के ऊपर काम करके फिर कैसे म्यूज़िक बनाया, 5 महीने हम लोगों ने सिर्फ फ़ोन पर रखे, शिवा मनी ने अकेले घर पर रह के कैसे उसका म्यूज़िक बनाया। आपने जो बिगनिंग में शिवा मनी ने बजाया वो फिल्म का थीम है हमारा, उसका तो मेहनत बहुत है। और टाइगर ने
हमेशा प्यार दिखाया है। टाइगर आया आज और इतने लॉकडाउन में इतने सब होने के बाद आज ये फर्स्ट फंक्शन है 5-6 महीने के बाद जो इतना बड़ा हुआ है, तो मैं थैंक्स बोलूँगा टाइगर को। लव यू टाइगर, थैंक यू वेरी मच। क्या टाइगर का कहीं अपीयरेंस है इस फिल्म में? नहीं नहीं नहीं, ये कहानी वैसी नहीं है जैसे मैंने हेब्रो में बनाई थी 5-6 आर्टिस्ट। ये कहानी बहुत ही रूटेड है, बाप बेटी की कहानी है, बाप है उसका बेटा है छोटा, वो दोनों की कहानी है, बहुत ही धरती से जुड़ी हुई फिल्म है। इसलिए हम लोग लखनऊ में गांव में कर रहे हैं फिल्म, तो जब आएगी फिल्म तो आपको समझ में आएगा। इसकी जो टैगलाइन है इंग्लिश वाले, किसको देहाती डिस्को, ईगो नहीं है। हम ये फिल्म के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी है हम उसको मानते हैं। आप इंग्लिश कहते हर चीज़ को हम हाथ जोड़ के नमन करते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी के कल्चर, म्यूज़िक और डांस बहुत बड़ा है, उस पर गर्व करते हैं। दिस इज़ द लाइन। सर, दिस मूवी म्यूजिक इज फुल्ली डांस रिदम एंड द साउंड ऑफ इंडियन रिदम एंड डिफरेंट स्टेट ऑफ द रिदम साउंड वी डिज़ाइन इन दिस मूवी। And I have to thank all my musician friends and the recorders, Uttam and our singer. I'm going to introduce. He was singing Nakul. It is the first debut. So he sang very well and totally this movie full dance. And it's very good score for music. And it's really... enjoyed doing music for this film and thanks thanks Shiva. Shiva is the god. Music ke liye Shiva ne jo kiya is film mein, har gana jab ek ek aata tha mere paas to main Shiva ko bolta tha, Shiva kya gana kiya, har ek gana. Phir iske lyrics likhe Pranav Vats ne, Pranav Vats jab gane bhejta tha phir Shiva mein sunta tha, phir unki wife Runa se wo discuss karte the कि ये क्या मीनिंग है, कैसा है, ऐसे कर 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 करके हम लोग ने गाने बनाए। हंड्रेड परसेंट सेफ्टी है, मनोज से बात हुई है, जो फिल्म कमल प्रोड्यूसर है उनसे ही बात हुई है। हर यूनिट के प्रॉपर जैसे गवर्नमेंट ने हमको कहा है वो सब चेक करते हुए हम लोग करेंगे, सोशल डिस्टेंस में करेंगे और पूरा ध्यान रख के करेंगे। ये मुझे मनोज ने और कमल ने प्रॉमिस किया। What you heard it's a part of the movie track and in this lockdown very difficult, no studios at home. I used to first record my ideas, everything put together, and then one person I just went to Los Angeles to mix, and then here in Chennai, all in this lockdown. I have to thank for the internet, and it's really come out very well, and it's a very very it's a good responsibility for this film as a music, because the dance and the rhythm is just joined together joining, and so I did lots of I have to thank Zakir Hussain sir, and what I learned all the core ways and all we did together, and the songs are very good, come out very well. And please listen, when you launch the song you will know, and Ganesh ji is rocking. And sir, coming soon 21 hai, so decide kab tak ye aa jayegi, 21 mein kab tak aa jayegi? 21 mein wo to Manoj aur producer ko pata hoga, mujhe perform karna hai, inko acting karni hai, mujhe choreograph karni hai, inko music karna hai, mujhe choreograph karna hai. Hamara kaam karenge jab ready ho jayegi. Puri jaan lagayi hai film mein, Dehati Disco mein. मुझे लगता है ये टाइटल मेरे से बहुत कनेक्ट होता है बचपन से, मुझे हमेशा देहाती कहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है कि देहाती में हिंदुस्तानी पना है। तो दैट्स ऑल। इसमें ऐसे स्टेप्स कुछ है नहीं ऐसा अभी कुछ भी, देहाती है कि हम लोग ऐसा गर्दन का करेंगे, एक हमारा गाना है
जो ऐसे 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 तक तक दुम दुम तक तक दुम दुम तक 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 दुम दुम तक तक दुम दुम तक तक दुम 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 तक 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 दुम दुम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू.